Welcome back. I am Dr. Rozina Sheikh and welcome back to our second part of hyperpigmentation. जो मैंने आपको बताया था, आई होप आप लोग उसको अच्छे से फॉलोअप कर रहे होंगे और रिजल्ट मुझे ज़रूर बताएंगे और रिजल्ट आई थिंक पॉजिटिव ही होंगे. अभी मैंने आपको बोला था कि मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी कि हमें इसके साथ मेडिसिन कौन सी लेनी है. तो सबसे पहली मेडिसिन है ग्लूटाथियोन की कैप्सूल्स जो हमें इसके साथ लेनी है. तो ग्लूटाथियोन की कैप्सूल के बारे में मैं एक बात बता दूं, अगर आप ग्लूटाथियोन की कैप्सूल अगर सिंगल अकेली लेती हो तो वो सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है. जनरली लोगों को मालूम नहीं होता है, ग्लूटाथियोन के डब्बे ऑनलाइन मंगा के खा लेते हैं लेकिन उसका कुछ भी यूज नहीं है. जब तक आप उसके साथ विटामिन सी नहीं लेते हो, उसका मतलब जो फेयरनेस है आपके बॉडी पे वो नहीं आएगा, हाइपर पिगमेंटेड पैचेस पे वो एक्शन नहीं करेगा. अगर आपका वेट 75 के अबाव है तो आपको 1000 mg की ग्लूटाथियोन कैप्सूल लेनी पड़ेगी, 500 mg सुबह, 500 mg शाम में. और उसके साथ एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की टैबलेट है, वो सुबह, दोपहर, रात 3 टाइम्स लेनी पड़ेगी. वैसे तो उसका डबल डोज है, 4 टाइम्स लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ 3 टाइम्स ही बता रही हूँ क्योंकि आप घर की भी डाइट फॉलो कर रहे हो, मेडिसिन भी ले रहे हो, तो इसीलिए अभी हम 3 टाइम्स ही चलने देंगे. फिर ये हमारे होगा ग्लूटाथियोन कैप्सूल. सेकंड में आपको बताऊंगी कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल. कोई भी मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगी. आप अगर बोलेंगे उसकी मुझे कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल का एक डब्बा दे दे तो उसमें मतलब फिश ऑयल रहता है, वो भी आपको लेना है. किसी भी एक टाइम सोने के पहले आप उसको ले सकते हो. उसके साथ आपको लेना है बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल. बी कॉम्प्लेक्स कोई भी दुकान में मिल जाएगी, कोई भी जनरल मेडिकल शॉप में मिल जाएगी. बी कॉम्प्लेक्स आपको लेनी है 2 टाइम्स इन अ डे. तो आप अगर शुरुआत इसी से करोगे तो इसी से आपको काफी सारी एक्शन मिलेगी. मैं चाहती हूँ कि आपको इसका फुल फ्लेश आपको बेनिफिट मिले. और आप अगर आपके कॉस्मेटिक्स छोड़ देते हो तो आपको 80-90% रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा. सबसे पहली बात, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनियॉन ऐसी जो चीजें हैं वो आप बिल्कुल ना लगाएं. कोजिक एसिड की अगर क्रीम लगा रहे हो तो उसका परसेंटेज देखकर लगाएं. अगर आपकी स्किन में रेडनेस, इचिंग और इरिटेशन कोई भी क्रीम से हो रहा हो, चाहे वो उसमें स्टेरॉइड ना भी हो, तो भी फिलहाल ना लगाए. माइल्ड जेंटल सोप से ही आपका फेस वॉश कीजिए. और अगर आपके चेहरे पे रेडनेस, इरिटेशन, बर्निंग या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके क्वेरीज का सोल्यूशन बताऊंगी. तो आज बस इतना ही. और नेक्स्ट वीडियो में हाइपर पिगमेंटेशन का ही 3rd वीडियो डालूंगी. उसमें मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी कि इसके साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका कंप्लीट क्योर है. ये तो मैंने बताया. और ये जो हम बता रहे हैं आपको मेडिसिन, ये एलोपैथी और नथिंग नथिंग नथिंग, इट्स दीज आर ओनली फूड सप्लीमेंट्स फॉर योर स्किन. ठीक है, तो आप इससे घबराइए मत. जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है. सभी एज ग्रुप की लेडीज, गर्ल्स और मेंस भी इसे ले सकते हैं. तो ठीक है, मिलते हैं फिर. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो.